भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की ऊर्जा बढ़ाने वाला प्राणायाम है। इसमें भी हवा का घर्षण युक्त आवाज होता है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें हवा का घर्षण युक्त आवाज नथुनों से होता है। हमने पहले जो जे प्राणायाम देखा है उसमें हवा का घर्षण युक्त आवाज गले में होता है, लेकिन यहाँ नथुनों में। हमने जल श्वसन यानी फास्ट ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया देखी है, दोनों नथुनों से फास्ट जलद तरीके से सांस लेना और छोड़ना, वही प्रक्रिया हमको इसमें करनी है। भस्त्रिका प्राणायाम में जलद तरीके से दोनों नथुनों से सांस लेना है और छोड़ना है, ठीक है। ऐसे हम 8 या 10 बार करेंगे और उसके बाद फिर आखिर में हम दीर्घ श्वसन करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से गहरी सांस लेनी है और राइट को बंद करके लेफ्ट से गहरी सांस छोड़नी है। यानी 8-10 बार जल श्वसन करने के बाद फिर जब आप सांस को छोड़ देंगे उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेनी है राइट नॉस्ट्रिल से और राइट को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस छोड़नी है। ये हमारा भस्त्रिका का एक आवर्तन पूरा होगा। ऐसे हम 2 या 3 आवर्तन कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूं, आप समझने का प्रयास करिए। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे इस तरीके से। पहले हम फास्ट ब्रीदिंग जल श्वसन करेंगे और फिर एक बार दीर्घ श्वसन। तो ऐसे मैंने 2 आवर्तन आपको करके बताए। ऐसे हमको 2, 3, 4, 5 आवर्तनों तक करने का प्रयास करना है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको काफी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमने जो आपको प्रयास किया है वो ग्रंथों में जो दिया है वैसे ही ग्रंथोक्त शास्त्रोक्त भस्त्रिका प्राणायाम आपको बताने का प्रयास किया है। अभी इसके भी काफी सारे फायदे हैं। इसमें हवा का घर्षण युक्त आवाज होता है, हमारे श्वसन मार्ग की क्षमता इससे बढ़ती है, श्वसन मार्ग की ऊर्जा बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, त्रिदोष वात पित्त कफ इनमें एक समता आती है, त्रिदोष बैलेंस होते हैं, कफ दोष इससे कम होते हैं। यानी कफ दोष यानी बार बार सर्दी होना, गले में दुखना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, ये भी विकार इससे कम होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। लेकिन कुछ दक्षताएं भी हैं, इससे शरीर की ऊर्जा उष्णता बढ़ती है। तो जिनको उष्णता का ज्यादा तकलीफ है यानी हाई बीपी का जिनको प्रॉब्लम है, या शरीर में काफी गर्मी रहना, शरीर की हीट बढ़ी हुई रहना, हार्ट इश्यूज, हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने भी इसका अभ्यास नहीं करना है या कम करना है, डॉक्टर का सलाह लेके ही इसका अभ्यास करना है।